भारतीय रियासत महाराष्ट्र के शहर पुणे में एक ही खानदान के सात अफराद का मुबैना खुदकुशी के मामले में नया मोड़ आ गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक चंद रोज कबल एक ही खानदान के सात अफराद की लाशें दरिया से मिली थी और इब्तदाई तौर पर यह ख्याल जाहिर किया जा रहा था कि सब ने खुदकुशी की है, लेकिन मामले में इस वक्त नया मोड़ आ गया जब गुज़िश्ता रोज पुलिस ने इंकशाफ किया कि तमाम अफराद को कत्ल किया गया। पुणे पुलिस हुकाम के मुताबिक तमाम अफराद को इनके रिश्तेदारों ने कत्ल किया और इस मामले में कत्ल होने वाले मोहन पवार नामी शख्स के पांच कजन्स को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक तमाम अफराद के कत्ल के पीछे खानदानी रंजिश मालूम होती है। कुछ अरसा कबल अशोक पवार का बेटा अगवा के बाद कत्ल हो गया था, जिसका जिम्मेदार इसने मोहन पवार के बेटे को ठहराया था और फिर अशोक और इसके दीगर रिश्तेदारों ने मिलकर मोहन पवार और इसकी फैमिली को कत्ल का मंसूबा बनाया। हुकाम का मजीद कहना है कि मामले की मजीद तफ्तीश जारी है और तमाम गिरफ्तार मुलजमान को अदालत में भी पेश किया जाएगा।